इस मूर्ति में आया है आत्माओं का झुंड, जब संगठित होगा तो सूर्य की किरणों को भी ढक लेगा, इसका मतलब क्या है? बाप के ज्ञान की रोशनी को समझने वाली जो 500 700 करोड़ आत्माएं हैं वो सब एक जैसी है क्या? हैं? समझने वाली पूरी तरह से थोड़ी है, बहुत थोड़ी मुठभर, और न समझने वाली ढेर की ढेर है। तो जो न समझने वाली है वो अज्ञान अंधेरा फैला देगी या रोशनी फैला देगी? इसलिए और नाम क्या दिया? मक्कड़ों का झुंड, मक्कार। शंकर का समाप्त हुआ है क्या? है प्रैक्टिकल पार्ट शंकर का समाप्त हुआ है? प्रैक्टिकल पार्ट शंकर का, शंकर है प्रैक्टिकल में। शंकर किसे कहा जाता है? अरे जिसने प्रश्न पूछा है वो बताए पहले। शंकर किसको कहा जाता है? प्रजापिता। मुरली में बोला है प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्रजापिता है साकार पतित और शंकर है परिता। शंकर को पतित कहेंगे या पावन कहें, फरिश्ता कहेंगे? इसलिए ये प्रश्न पैदा होते हैं क्या कि शंकर का पार्ट खत्म हो गया। अरे शंकर का पार्ट अगर खलास हो जाए तो दुनिया में सबसे जास्ती चित्र किसके मिलते हैं? शंकर की। तो नग्न मूर्तियां सबसे जास्ती मिलती हैं। वो पार्ट तो अंत तक चलेगा। जब तक ये पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया की मूर्तियां देखने में आती हैं, तब तक शंकर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। सारी दुनिया खलास हो जाएगी लेकिन शंकर को मौत के घाट उतरते हुए कोई नहीं देखेगा। इसलिए शंकर को अजर अमर अविनाशी कहते हैं। शंकर का जन्म और मरण नहीं दिखाया जाता है। अब कोई कहे शंकर का पार्टी खलास हो गया तो ये संभव है क्या? नहीं। और शंकर तो कहा ही जाता है तीन आत्माओं का संकरण का पार्ट। शिव भी है, राम वाली आत्मा भी है और ब्रह्मा की सोल भी है, कृष्ण की सोल भी है। तीनों के पार्ट का संकरण होता है, मिश्रण होता है, तब शंकर कहा जाता है। तो प्रजापिता ये राम वाली आत्मा के लिए कहा जाता है, उसको शंकर नहीं कहेंगे। शंकर जब कहा जाता है तो मिक्स पार्ट की ओर इशारा है। और विष्णु के माँ और बाप अहमदाबाद में प्रत्यक्ष हुए हैं, ऐसे प्रैक्टिकल पार्टी वाले कैसे हैं? विष्णु के माँ बाप तो तब प्रत्यक्ष हुए होंगे जब विष्णु होगा। और विष्णु का पार्ट अभी खुल गया क्या? नहीं। जब विष्णु ही नहीं है तो माँ बाप कहाँ से आ गए? पहले तो विष्णु है तो माँ बाप कहे जाए। पहला पार्ट है ब्रह्मा का, फिर दूसरा पार्ट है शंकर का, फिर लास्ट पार्ट है विष्णु का। तो अभी विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष है या गुप्त है? तो अम्मा बाप कहाँ से आ जाएंगे? और शंकर को भी तो माता पिता नहीं कहते। ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में प्रश्न किया।
ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। अम्मा है तो रचना ही होगी ना। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। भक्ति मार्ग की बात छोड़ो, वो तो अज्ञानी मार्ग है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा को रचना बताया है, रचयिता थोड़ी बताया। जब रचना है तो उसका रचयिता भी कोई हो, और रचयिता साकार में होता है या निराकार में? साकार में रचयिता हो। तो यज्ञ के आज में रचयिता था, जो रचयिता था उसी का नाम प्रजापिता पड़ता है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में सुधारा है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मत लिखो। क्यों नहीं लिखो? क्योंकि ब्रह्मा तो रचना है, ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा से पहले प्रजापिता शब्द ऐड करना जरूरी है। और विष्णु का तो वास्तव में चार भुजाएं दिखाई हुई है, कोई एक आत्मा का पार्ट विष्णु है, है? कि कॉम्बिनेशन है, चार पांच आत्माओं के पार्ट का कॉम्बिनेशन विष्णु का आ जाता है। तो विष्णु अंत का पार्ट है, इससे ही साबित होता है कि विष्णु बनाने वाला कोई है। विष्णु स्वयं बनता है क्या? विष्णु माने नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु। और जोर से बोलो जैसे घर में बोलते हैं। काम के आधार पर नाम पड़ता है। हाँ जी। तो द्रौपदी का नाम गायत्री का नाम ज्यादा। हाँ। जितना लक्ष्मी बड़े लोग की द्रौपदी की बात पूछ रही कि लक्ष्मी की बात पूछ रही? किसकी बात पूछ रही खास पहले? हाँ, द्रौपदी का जो नाम है वो नाम काम के आधार पर पड़ा है। नाम है ध्रुवपदी। अब ध्रुवपदी जब बोला जाएगा तो साधारण जनमानस बोलते बोलते वो बिगड़ करके क्या हो जाता है? द्रौपदी। द्रौपदी नहीं बोलने में आता है, फिर क्या आता है? द्रौपदी। माना उसका पद इतना ध्रुव है कि मुरलियों में भी बोला है, नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी। उसका पद इतना पक्का है, मजबूत है कि सारी दुनिया अगर हिलाती रहे डुलाती रहे तो भी उसका पद गिर नहीं सकता। निश्चित पद है। तो ऐसा काम किया होगा तभी तो नाम पड़ा द्रौपदी। और सबका पद निश्चित है कि एक का ही पद निश्चित है? सबका पद निश्चित है, सात तुम सात द्रौपदियां। और बाबा परमात्मा के लिए कहा जाता है कि उससे तो जो तुम नहीं आता। अभी जो शिव शंकर का पाठ चल रहा है तो उसे क्या कहना? परमात्मा कहाँ कब जाता है? वास्तव में जो परमात्मा शब्द है उसका अर्थ क्या है? हैं? परम पाठ बजाने वाली आत्मा, जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली, बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली, ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली, परे से परे पार्ट बजाने वाली, जिसके पार्ट को और कोई दूसरी आत्मा क्रॉस कर नहीं सकती, वो परम पार्टधारी को कहा जाता है परमात्मा। तब बनता है जब सुप्रीम सोल उसमें परम पिता प्रवेश
करता है तब परमात्मा कहा जाता है। समझदार हुआ तो रजोतम में परमात्मा नहीं आती। अरे ऊपर वाला प्रवेश करता है तब परमात्मा कहा जाता है कि बिना प्रवेश किए कहा जाता है? जब तक प्रवेश नहीं है तो सतो रजोतम में आएगा। जब प्रवेश है तो उसके ऊपर संग का रंग लगेगा, लगेगा ही। अभी प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तो हम बैठे हैं ना, बैठे हैं तो हमें अनुभव करना चाहिए ना, रियलाइज करना चाहिए ना। परम पिता परमात्मा के पार्ट को रियलाइज नहीं करना है, करना है ना। तो वो रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है कि और आत्माओं का जो पार्ट है उनको संग का रंग लग रहा है, संग का रंग लग रहा है तो वो प्रभावित भी हो रही है दूसरों से, प्रभावित हो रही है तो निश्चय निश्चय का उनके अंदर बुद्धि में चक्र भी चलता है। लेकिन एक आत्मा ऐसी भी है पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में जिसको निश्चय निश्चय का चक्र नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश है जिस पर कभी भी संग का रंग नहीं लगता है। औरों को संग का रंग लगता है, इसलिए अवस्था ऊपर नीचे होती है, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि। लेकिन एक ऐसा है परम आत्मा साबित होने वाला जो निश्चय निश्चय से परे है, तो सत्व रजतम में आएगा नहीं? बाबा मुनि में बताते हैं ना अल्प और वे, अल्प और वे, तो ये मुसलमानी भाषा क्यों यूज करते हिंदी में ऐसे नहीं बोलते बारा कहीं? बाबा सबका बाप है, ये सिर्फ एक ग्रुप का बाप है। जो एक ग्रुप का बाप साबित होता है सूर्यवंशियों का, उन सूर्यवंशियों में जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनमें सब धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है या एक ही धर्म का छिलका है? तो सबको समझाएगा नहीं है? देवी देवता धर्म के जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं कि जो और धर्मों के हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं? हाँ? नहीं, कन्वर्ट कौन होते हैं? देवी देवता धर्म वाले हमेशा कन्वर्ट होते हैं, और धर्म वाले तो कन्वर्ट होते ही नहीं, अपने धर्म के पक्के होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी जिन पर और धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है क्या वो थोड़े मजबूत है, इसलिए उनको पहले उनकी भाषा में समझाया जाता है। किसको याद करो? अलग को याद करो और दे को याद करो है। और उनकी बुद्धि में बैठा हुआ भी नहीं है जल्दी, वो उल्टा उठा लेते हैं अलग दे को, इसलिए उनको समझाते हैं। अलग माने अल्लाह ऊंच से ऊंच सदैव खड़ा रहने वाला, सदैव नित्य बुद्धि, और बे माने घड़ी घड़ी पड़ा हुआ, घड़ी घड़ी नित्य बुद्धि। अभी अभी एडवांस पार्टी में प्रवेश करके पार्ट में जाता है, अभी 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 बेच में प्रवेश कर जाता है। कहा है कई बच्चे ये बच्चों के संस्कार ब्रह्मा बाप से समान से ज्यादा होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं ब्रह्मा बाप के संस्कारों से भी ज्यादा होते? क्लियर नहीं हुई बात, और क्लियर करो। अच्छा अच्छा सलाह कर लो पहले क्या कह रहे हैं। नए बच्चों के संस्कार ब्रह्मा बाप से समान और ज्यादा होते हैं, और समान ज्यादा होते हैं, ब्रह्मा बाप के समान ज्यादा होते हैं। कई बच्चों में क्या ज्यादा होते हैं?
ब्रह्मा बाप के समान ज्यादा होते हैं, माना समानता ज्यादा होती है, और कोई बच्चों में ब्रह्मा बाप के संस्कारों के समानता कम होती है, ऐसा है? अरे ब्रह्मा बाप के संस्कारों से मेल कोई बच्चों का ज्यादा होता है और कोई बच्चों का ब्रह्मा बाप के संस्कारों के समानता कम होती है। हाँ तो फिर पूछने क्या है, मान लिया होता है ऐसे बच्चे बोलते हैं, वो पूछ रहे हैं। ये तो होता ही है, कोई समानता में 100% और कोई समानता में 1%, तो परसेंटेज तो होगा ही, एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। फिर पूछना क्या है, उनको पूछना है वो ऐसे बच्चे कौन से, कैसे बच्चे जिनके संस्कार, जो जिनके संस्कार 100% ब्रह्मा बाप के समान होते हैं, वो ही बच्चे हैं कि ब्रह्मा वाली आत्मा जो बच्चे के रूप में बेबी बुद्धि के रूप में पार्ट बजाए रही है, उसके पार्ट के नजदीक पहुंच करके पहले पहले पास हो जाए। क्या जब परमधाम में जाने का टाइम हो तो बाप दादा के साथ साथ जाएंगे या पीछे पीछे जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, तो अष्टदेव साथ साथ जाएंगे या दूसरे कोई साथ साथ जाएंगे, वो ही ब्रह्मा बाप समान हुए। और बाबा श्री कृष्ण बच्चे के लिए कहा जाता है कि वो फर्स्ट क्लास रचना है, तो अष्टदेव कौन से श्री कृष्ण बच्चे की बात कर रहे हैं आप, सतयुगी कृष्ण बच्चे की बात कर रहे हैं या संगम जी कृष्ण बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका शास्त्रों में गए हैं? संगम जी कृष्ण बच्चा जो है, वो कृष्ण बच्चा का जो शरीर है वो अष्टदेवों में फर्स्ट क्लास शरीर वाला है योगी, या 2-3 नंबर 4-8 नंबर वाला है? तो शरीर ही नंबर वन वाला है योगी, तो बच्चा भी फर्स्ट क्लास ही होगा। और उसकी भेंट में जो दूसरे देव हैं, जो अष्टदेव की लिस्ट में गिने तो जाते हैं, लेकिन वही क्वालिटी के होंगे या उनकी क्वालिटी कुछ नीची होगी, नीची क्वालिटी होगी। माना संगम की कृष्ण की बात है, सत्युग के कृष्ण की बात संगम युगी कृष्ण के साथ टैली नहीं की जा सकती। संगम युगी कृष्ण को अष्टदेवों के साथ टैली कर सकते हैं, सत्युग के कृष्ण को अष्टदेवों के साथ टैली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संगम युगी जो अष्टदेव है वो रचयिता है, उनका कुल रचयिता का कुल है, और जो सतयुगी कृष्ण है वो रचना का कुल है, ग्रेड नीचे गिरा हुआ है। अगली पीढ़ी तो अगली पीढ़ी कम ताकत वाली होगी या ज्यादा ताकत वाली होगी? कम ताकत वाली होगी। जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई पीढ़ियां आती जाएंगी उनकी ताकत कम होती जाएगी। तो सतयुगी कृष्ण की तुलना संगम युग के जो 450 करोड़ बंदे हैं, 450 लाख 4 लाख 4.5 लाख उनसे नहीं कर सकते, वो सब रचयिता को बोले और वो रचना का बोले। बाबा मुरली ने अभी बोला गंगा का जल मुख में गंगा तट हो, सब प्राण मुख से तन से निकले, गंगा का तट हो और गंगा का जल मुख में हो, तो क्या गंगा आएगी तभी अंत में से सगते हो भी सकती। भगवान कहाँ आते हैं? उत्तर भारत में आते हैं, आते हैं माने प्रत्यक्ष होते हैं,
कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म भगवान का कहाँ होता है? उत्तर भारत में होता है या दक्षिण भारत में? उत्तर भारत में यादगारें बनी हुई है, कृष्ण की यादगार वृंदावन मथुरा बनी हुई है, राम की यादगार अयोध्या बनी हुई है, और शंकर की यादगार काशी नगरी। ये तीनों ही भगवान के रूप में जो विशेष माने जाते हैं उनकी यादगार उत्तर भारत में बनी हुई है। तो उत्तर भारत में ही जरूर भगवान बाप संसार के बीच में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो जहां जन्म लेता है वहां जीत हो जाती है। जो लोग भाषा को ही ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं, मातृभाषा भाषी नहीं बन पाते हैं, तो त्रुटियां रह जाएंगी या नहीं रह जाएंगी? मातृभाषा बच्चे की होती है या और लोगों की होती है? बच्चे की पहली क्वालिटी ये है कि उसकी भाषा माता पिता की भाषा होनी चाहिए। उस माता पिता की भाषा में ही फर्क नहीं पड़ा तो फिर समझने में फर्क पड़ जाएगा। इस ज्ञान को विदेशी लोग ज्यादा गहराई से समझेंगे या भारत के लोग ज्यादा गहराई से समझेंगे? भारत के लोग ज्यादा गहराई से समझेंगे। क्यों? भाषा का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। ये ज्ञान को पकड़ने के बाद, एडवांस ज्ञान को पकड़ने के बाद पक्का कर देना चाहिए कि हमको कौन सी भाषा बोलनी है, जो बाप की भाषा तो हमारी भाषा, लेकिन जहां दो मिले बिना बोले रह नहीं सकते। हाँ, क्या आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, गंगा की बात चल रही। हाँ, गंगा की बात चल रही थी। तो गंगा कहाँ बहती है? उत्तर भारत में बहती है। गंगा वाली जो आत्मा है बेसिक में भी विशेष कहाँ पार्ट बजाती है? गंगे दादी कहाँ? उत्तर भारत में। और एडवांस में भी उत्तर भारत में, आज में भी और अंत में भी गंगा, आज तो अंत। इसलिए अभ्यक्तवाणी में बोला गंगा कहां से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अरे कानपुर का नाम क्यों गुजर दिया? भक्ति मार्ग में इलाहाबाद तो ठीक है क्योंकि इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम माना जाता है। कानपुर में तो भक्ति मार्ग की कोई यादगार नहीं, सिर्फ कानपुर के किनारे से होकर के गुजरती है गंगा, तो कानपुर का नाम क्यों ले लिया? कानपुर के अलावा और भी तो शहर हैं जहाँ से गंगा गुजरती है। हरिद्वार से गुजरती है, फरक्काबाद से गुजरती है, फतेहगढ़ से गुजरती है, उनका नाम क्यों ले लिया? है जी, क्योंकि एडवांस में भी बल है। जो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है वो पहले पहले समर्पित होता है, लेकिन ज्ञान गहराई से जगदम्बा नहीं उठाती है। कौन उठाती है? गंगा उठाती है पहले पहले। गहराई से ज्ञान उठाने वाली जो बात है, तात्विक ज्ञान उठाने की बात है, पहले पहले उठाने की बात है एडवांस नॉलेज को, उसमें गंगा आ गई। इसलिए मुर्गियों में भी बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा का पुल कौन सा पुल है? है सन्यासियों का पुल है। गंगा के किनारे कौन चौकड़ी मार के बैठते हैं? सन्यासी लोग चौकड़ी मार के बैठते हैं। अपना पूज्य किसको समझते हैं? गंगा को पूज्य समझते हैं।
तो भला भगवान से डायरेक्ट ज्ञान ग्रहण करने वालों में गंगा सबसे आगे, लेकिन नजदीक नहीं है, सन्यासी बन जाती है, दूर बात कुछ बात हो जाती है। इसलिए अंत में नाम बाला हो जाता है, सन्यासी निकलते ही अंत में। महाराष्ट्र बोलो, महाराष्ट्र का महा महा महान और राष्ट्र माने देश। पहले राजाओं के छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था भारत देश, उनमें जो महान कहा गया है वो महाराष्ट्र को कहा गया है। महाराष्ट्र को क्यों कहा जाता है? महाराष्ट्र कौन सी महानता है? जैसे उलझनकन, अरे हाँ बताओ, कौन सी महानता विशेष है जिसके आधार पर महाराष्ट्र को महान राष्ट्र कहा जाता है? 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 लेनी 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 क्या? ये कौन? कोई की भी महानता साबित की जाती है तो कुल देखा जाता है, अपने अपने कुल का सबको गर्व रहता है, रहता है या नहीं रहता है। जब कुल की याद दिलाई जाती है तो कुल याद करके जो अंदर से कमजोर होते हैं वो भी शेर दिल बन जाते हैं। तो महाशब्द का जो अर्थ है वो शुरुआत कहां से है? महादेव, क्या महान देवता। तो देवताओं के बीच में महान कार्य करने वाला भी होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। तो महाराष्ट्र वालों की जो राजधानी है कौन सी है? बॉम्बे। नाम क्यों पड़ा बॉम्बे? क्योंकि महादेव के नाम के साथ ही ये जुड़ा रहता है, हर हर बम बम। तो महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा याद आता है, क्या? अपनी महानता। जब सदैव याद आएगी कि हमारी जो राजधानी है बंबई नगरी, उस बंबई नगरी का महान नाम जो पड़ा हुआ है बॉम्बे, वो किसके नाम के आधार पर पड़ा है? बम बम के नाम पर पड़ा हुआ है। क्या करता है बम बम से? कोई काम साबित होता है कि नहीं? क्या काम साबित होता है? जब बम फटते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी के बम फटेंगे तो दुनिया में अशांति बदल करके शांति में बदल जाएगी। ये महान काम हुआ या छोटा काम हुआ? ये महान काम तो बड़े बड़े धर्म पिताओं ने नहीं कर पाया। जिन बड़े बड़े धर्म पिताओं के फॉलोअर्स दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में 200 करोड़ क्रिश्चियन से हैं, लेकिन उन क्रिश्चियंस के बाप ने भी ये काम नहीं कर पाया कि पुरानेपन को खत्म किया हो, पुरानी दुनिया खत्म की हो और नई दुनिया के नए संगठन की स्थापना की। वो काम हमारे बाप ने किया। इसलिए हम महाराष्ट्र के लोग महान कुल के हैं, क्या? हमारा बाप महान है। ये सदैव याद रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। हम त्रिनेत्री के बच्चे हैं, औरों का नेत्र इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए जितना हमारा होना चाहिए। और भक्ति मार्ग में भी कोई ऐसा पार्ट है क्या?
जो महान होगा, जो हीरो पार्टधारी होगा, वो हर युग में हीरो पार्ट बजाएगा कि किसी युग में बजाएगा, किसी युग में नहीं बजाएगा? चार युगों में नीचे से नीचा युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग में भी ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी बन करके हमारा बाप पार्ट बन जाता है। कौन है? नाम क्या पड़ा? शिवाजी। क्या? जो भारत का बड़े से बड़ा सम्राट था, क्या नाम था उसका? औरंगजेब। मुगलों का सबसे खूंखार सम्राट, उसके भी छक्के छोड़ा दिए, नाकों चने चबा दिए और कुछ नहीं बिगाड़ पाया। टीवी के चित्र में एक तरफ सूर्य को उगाते दिखाते हैं और दूसरी तरफ जो उजड़ उजड़ दिखाते हैं, इसका अर्थ क्या? उगता हुआ किधर दिखाते हैं और डूबी जा किधर दिखाते हैं? हैं? उगता हुआ किधर दिखाया है? है? क्या बताए? हाँ, ऊपर जो है उगता हुआ और नीचे डूबता हुआ। डूबेगा तो गड्ढे में ही डूबेगा और उगेगा तो ऊपर ही होंगे। तो बात तो क्लियर है। सूर्य जो है माउंट आबू में भी एक तरफ उगता हुआ और दूसरी तरफ डूबता हुआ। ब्रह्मा बाबा ने जब तक शरीर छोड़ा, एडवांस पार्टी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब तक उगते हुए सूर्य का यादगार वहां था ही नहीं। कौन सा यादगार था? डूबते हुए सूर्य का यादगार था। क्या कहते हैं उसको? सनसेट पॉइंट। और अभी अभी वहां नया यादगार चल रहा है, उसका नाम है सनराइज पॉइंट। जो सनराइज पॉइंट है वो हिलते डुलते घर में नजर आएगा या अचलगढ़ में नजर आएगा? अचलगढ़ में नजर आएगा। इसी चित्र में भी सूर्य उगता हुआ भी है और सूर्य डूबता हुआ भी। जहाँ सूर्य डूबता हुआ है वहां डूबी जा की यादगार। डूबी जा कब होती है? है? हाँ, डूबी जा होती ही तब है जब चारों तरफ देवियों और देवताओं का बोलबाला हो जाता है, देवी जा की पूजा हो जाती है, अनेकों को शीर्ष शीर्ष झुकाना शुरू हो जाता है, तब हम समय जाकर के डूबी जा होती है। एक प्रत्यक्ष होता है और बाकी सब डूब जाते हैं। दोनों का मौसम से होगी है? दोनों का मौसम। हाँ, दोनों का। सीढ़ी में भी दोनों है। हाँ, प्रत्यक्षता की। हाँ, प्रत्यक्षता भी बनती होगी। हाँ, और अभी हम नल में ऐसा थोड़ा जोर से बोलो। अभी हम नल में अभी हम नरक में ऐसा अगर ऐसा कि हम अभी किसी तरह कम स्वर्ग में है और हम अपने नीचे नल में ऐसा कौन है 100% आत्मिक स्थिति में? नरक नहीं है ना। अगर कहें कि हम 99% नरक में और 1% स्वर्ग में रहते हैं, माने 24 घंटे में हमें 1% याद रहती है आत्मिक स्थिति में और बाकी 99% भूल जाते हैं, तो कहाँ है? नरक में। अगर चलो ये कहें
क्या हमें 99% की याद में रहते हैं क्या? 24 घंटे में हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो 99% रहती है और 1% हम भूल जाते हैं। तो जो 1% भूलने का टाइम है वो हमको माया में डुबो सकता है या नहीं डुबो सकता है? तो नरक में हुए या स्वर्ग में? जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो उसमें 99% से भी ज्यादा क्या नाम दूध है और 1% उसमें सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा? विष का बिची हो जाए। तो हम सब अभी कहां है? नरक में। नरक में है माना नरक से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? जो नर है उनसे प्रभावित है। तो अमरनाथ किसको कहा जाता है? एक को ही कहा जाता है या ढेरों को कहा जाता है? एक को अमरनाथ कहा जाता है, बाकी सबको तो अमरनाथ नहीं कहा जाता है। बाबा अभी तो आने में ब्रह्म बाबा जो बाप दादा जो बोल रहे थे कि तुम जब सेवा करोगे तो तुम बच्चों का नाम बहुत बाला हो, और जब एयर मंस की बात आती है तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को गाली खानी पड़ेगी। ये अंतर क्यों? शिव बाबा गाली खाता है? नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि आत्मिक स्टेज है। तो बच्चे बच्चे जिनको बाबा कहते हैं वो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं या देवहन वाले बच्चे हैं? आत्मिक स्टेज वाले बच्चों से बच्चा कहते हैं, और वो बच्चे जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले हैं तो उनकी अवस्था खराब होगी? नहीं, उनकी अवस्था खराब हो ही नहीं सकती। वो सर्विस ही करेंगे या डिसर्विस करेंगे? वो तो सदैव ही सर्विस करेंगे। हाँ बाबा कभी सजा नहीं देते। बाबा प्यार का कागज सजा देते हैं? नहीं देते। हैं? सजा नहीं देते। सही बात है। जो डिस्टर्ब करते हैं उसका पद भ्रष्ट करने वाली कौन है? बाबा। बाबा तो जो डिस्टर्ब करते हैं, जो कहते हैं कि सर्वव्यापी है, कण कण में है, इतनी गाली देते हैं तो भी उनकी सेवा ही करते हैं या उनसे नाराज होते हैं? तो भी 70 साल हो गए सबकी सेवा ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन नीचे कौन गिराती है? कुछ मायावी बच्चे हैं जो बच्चा अथवा बच्चियों या पदार्थों के रूप में आ जाते हैं सामने और वो अवस्था खराब कर देते हैं। ये नहीं कहेंगे कि बाबा ज्ञान सुना करके हमारी अवस्था खराब कर देता है। बिल्कुल। हाँ, जो पदभ्रष्ट करने के निमित्त बनते हैं वो कौन बने? माया के जो अनेक रूप है वो ही परिवर्तित करने के निमित्त बनते हैं। चौरासी जन्मों में जो 63 जन्म है उन 63 जन्मों में जिन जिन आत्माओं के संसर्ग संपर्क में हम आए हैं वो ही आत्माएं तो हमको नीचे गिराने के निमित्त बन सकती है। तो वो आत्माएं अथवा वो पदार्थ वो हमको नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। शिव बाबा तो सदैव ही ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। वो तो सदैव प्यार ही प्यार करता है, कभी नीचे नीचे गिराने गिरे हुओं को ऊंचा उठाने के लिए आया है। उसका लक्ष्य क्या है? पतितों को पावन बनाने वाला। उसको ये तो कह ही नहीं सकते कि वो पतित को पतित बनाई देता है। तो जो बैल जो है वो जानवर बुद्धि है,
उसको आवेश आता है, उसको आवेश आता है, वो जो भी कर्म करता है उसका भाड़ा जो सवारी करने वाला है उसको देना पड़ता है, जो सवारी करता है बैठ के उसको देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? भाड़ा देना पड़ता है ना। ठीक है, जो शरीरधारी होगा, जिस आत्मा का शरीर होगा, जैसे क्राइस्ट वाली आत्मा ऊपर से आती है और जिसमें प्रवेश करती है वो है शरीरधारी, तो सूली का दुख किसको भोगना पड़ेगा? जिसने शरीर में प्रवेश किया है उसको सूली का दुख भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रजापिता वाली सोल, राम वाली आत्मा शरीरधारी है, तो सुख दुख भोगने वाली कौन हुई? राम वाली आत्मा शरीर से सुख दुख भोगने वाली है, सुख भी भोगती है और दुख भी भोगती है, और उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो कौन कौन है? सेवक और कृष्ण की सोल। उनको अपना शरीर है तो सुख दुख भोगेंगे नहीं? ये बात तो ठीक है आपकी। ना समझने वाली बात क्या है? यही तो कि सुख दुख कौन भोगता है, भोग करके भाड़ा कौन देता है? जिसके तन में प्रवेश हुआ है उसी को भाड़ा भरना पड़े। और बाबा दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कर, इसका मतलब इसका मतलब क्या? मैंने ये स्टेज बनाओ कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो भले समय कम भी रह गया हो, उस कम से कम समय के बीच में भी अगर ऐसी स्थिति बना ली, कैसी? एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो आपकी जीत हो जाएगी। कोई कहे कि बड़ी भारी समस्या आ गई, टाइम तो कुछ भी नहीं रहा, बहुत थोड़ा टाइम रह गया, समय नजदीक आ गया, अब क्या करें, अब क्या तरीका है? तो तरीका साथ में बता दिया। क्या बताया? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। स्वयंबरपुर क्या? विष्णु महाराज और विष्णु महाराज कहाँ लिखा हुआ? उसने ये लिखा है स्वयंबरपुर राधा कृष्ण है स्वयंबर पूर्व। हाँ, जब उनका स्वयंबर हो जाएगा सचिव में, तो वो राधा कृष्ण नाम नहीं रहेगा, क्या नाम हो जाएगा? हाँ, नारायण और लक्ष्मी नाम हो जाएगा। राधा कृष्ण जो नीचे दिखाए गए हैं उनका नाम बदल जाएगा, वो राधा कृष्ण नहीं कहे जाएंगे, उनका टाइटल बदल जाएगा, माँ बाप का टाइटल उनको मिल जाएगा, लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिल जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा, क्योंकि राजाई ट्रांसफर हो गई। जो लक्ष्मी नारायण की राजाई थी वो किसको मिली? बच्चों को मिली, तो जिनको राजाई मिली उनको टाइटल भी मिला। जैसे लौकिक व्यवहार में होता है, पहले बच्चा बच्चा होता है, फिर युवराज बनता है, फिर जब राजाई मिल जाती है तो युवराज रह जाता है या राजा कहा जाता है? राजा कहा जाता है। विष्णु महाराज ने कहा उनको राधा कृष्ण को विष्णु कहेंगे?
वहाँ विश्व होता है, विश्व धर्म होते हैं। अरे विश्व नहीं है तो विश्व महाराज कहाँ से? वहाँ लिखा है विश्व महाराज कुमार, विश्व महाराज के कुमार हैं, विश्व महाराज नहीं है। वहाँ विश्व रहता है, विश्व ही नहीं रहता। वहाँ तो सिर्फ सूर्यवंशी होंगे, विश्व धर्म होंगे ही नहीं। और संगम में, संगम युग में सिर्फ जब तक लास्ट विनाश होगा तब तक दुनिया में हर धर्म की आत्मा मौजूद रहेगी, इसलिए वो विश्व महाराज है। इसलिए विश्व शब्द हट जाता है उनके टाइटल से, क्या रह जाता है? महाराज रह जाता है। महाराजा है, महारानी है। पूर्व इधर आगे नजदीक आके बैठ के पढ़ो, वहां से दिखाई नहीं पड़ता होगा है? आ जाओ नजदीक, आ जाओ इधर आ जाओ। चित्र को लिखो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ विष्णु महाराज श्री नारायण तथा श्री विष्णु महारानी लक्ष्मी, कहाँ लिखा हुआ? भैया लक्ष्मी चित्र, लक्ष्मी चित्र जो ऊपर लिखा हुआ है, महाराज कृष्ण से पहले जहाँ ये क्या नाम लाइट का गोला दिखाया गया है दुनिया को, लक्ष्मी नारायण जो है नरसिंह नारायण बनने वाले वो लाइट के गोले में है ना, उनकी दुनिया लाइट की है या अज्ञान की है? अंधेरे की दुनिया नहीं है, उनकी लाइट की दुनिया है। तो वो लाइट की दुनिया संगम युग में होती है या सत्युग में होती है? कहाँ होती है? संगम युग में। तो संगम युग में विश्व भी हो, 500-700 करोड़ मनुष्य भी होंगे, हर धर्म की आत्माएं भी होंगी, इसलिए लिखा हुआ विश्व महाराज। मुझान कहाँ? नजदीक आ गए तो मुझान तक। जो सत्युग में कृष्ण का जन्म हुआ वो भगवान का है, नर्क में वही स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। पूरा नर्क होता है, पूरा नर्क में स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। नरक की दुनिया में आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, मतलब 500-700 करोड़ आत्माएं होंगी, 500-700 करोड़ जो आत्माएं होंगी, उन आत्माओं के बीच में कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे पाकिस्तान में आज में जो स्वर्ग का मॉडल बना कराची में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हिंदुओं की और मुसलमानों की खून की नदियां बह रही थी, इतना खराब नजारा था, रौर और नरक, रेलें की रेलें साफ डाली गई। और वहां कराची में उस बंगले के अंदर वो संगठन बड़े आराम से पड़ा हुआ था। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा था या नहीं था? आज ने था तो अंत में भी होगा। आज में जो फाउंडेशन था उसकी यादगार आज अजमेर में बताई। कहाँ बताई? अजमेर। माने फाउंडेशन डालने वाले जो थे आज और मेरे हाथी पुर के थे। अजा माने बकरी, मेर माने भेड़। भेड़ बकरियों का फाउंडेशन जो डालने वाले हैं, भेड़ बकरी क्या करती है? भेड़ बकरी जो है वो जहाँ एक गई उसके पीछे पीछे चार जाते हैं, बुद्धि से सोचते नहीं है कि गड्ढा है कि क्या है। तो ऐसे ही जो मुसलमान लोग हैं उन मुसलमानों के धर्म का फाउंडेशन डालने वाली जो आत्माएं थी पाकिस्तान में,
उन्होंने वो मॉडर्न का फाउंडेशन डाल दिया, उसकी यादगार अजमेर में बनी हुई है। क्या सर का मॉडल बना हुआ है ना, लेकिन वो मॉडल है या प्रैक्टिकल है? मॉडल है। वो मॉडल कौन बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं या देवी देवता सनातन की आत्मा बनाती है? जड़ बुद्धि जड़ चीज बना दे, और जो चैतन्य बुद्धि देवताएं हैं चैतन्य सर बना देंगे। लेकिन बाबा ने कहा है कि जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो तब तक पावन कृष्ण भी जन्म नहीं ले सकते। ठीक है, तब तक पावन कृष्ण भी कैसे जन्म ले सकते हैं? जब तक उनके माँ बाप भी जो जन्म देने वाले हैं पूरा पवित्र नहीं बनेंगे, पूरा किसने कहा कि अपवित्र से पवित्र का जन्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन पूरा क्रांति नहीं होगी जब तक शांति नहीं होगी। क्रांति होगी, लेकिन जो जन्म है जो रचना है उस पवित्र रचना का जन्म पवित्र से ही होगा, अपवित्र से नहीं होगा। संशय कहाँ है वो बात बता। ऐसा है बाबा कि जब तक ये सब पापी जो आत्मा है पाप बदलने वाली तब तक पूरा विनाश नहीं होगा, तब तक तो पूरी पावन नहीं बनेगी। पावन नहीं बनेगी। वो मॉडल की याद अभी दिलाई पाकिस्तान की, वो कैसे बन गया? जड़ मॉडल बन सकता है तो चैतन्य नहीं बन सकता। ऐसी आत्माओं का संगठन एक जगह स्थापन नहीं हो सकता जहाँ सब पवित्र आत्मा हो, जिनके लिए अज्ञातवाणी ने बोला है ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा पांडवों का, इसमें एक भी पतित आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकेगी, तो उनका वायुमंडल कैसा होगा, वाइब्रेशन कैसा होगा? जो उस वाइब्रेशन में आएगा वो ही चेंज हो जाएगा। तो पतित दुनिया के बीच नरक की दुनिया के बीच सड़क का नजारा शिव बाबा बनाए देते हैं या नहीं बनाए देते? इसलिए एक और मिसाल दिया, कमाल तो तब है जो 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। रह सकता है कि नहीं रह सकता? तो जब एक हंस अपनी मस्ती में रह सकता है 100 बगलों के बीच में, तो पूरा का पूरा ब्राह्मणों का संगठन तो 500 करोड़ की दुनिया के बीच में नहीं रह सकता। संगठन का कमाल है, संघ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है, ईश्वरीय संगठन चाहिए। बाबा अभी तो हम पिता नीचे नहीं उतरे नहीं, जैसे शिव तो अंत में उतरता है ना, शिव अंत में उतरता है, मन अभी नहीं उतरा है। 36 में उतरा ना, 36 में शिव उतरा। हाँ, तो उसके बाद धर्म पिता उतरेंगे क्या है? उसके बाद उतरेंगे। धर्म पिताएं आप किसको कहते हैं? पहले बीज रूप धर्म पिताएं अपना कार्य करेंगे कि पहले आधारभूत आत्मा है धर्म पिता है अपना कार्य करेंगे, या पहले जो सूक्ष्म बीज है धर्म पिताओं के वो अपना कार्य शुरू कर देंगे? वही तो सूक्ष्म बीज। सूक्ष्म बीज, तो सूक्ष्म बीज जो है सबसे लास्ट के हैं या फर्स्ट के हैं? जब आते ही द्वापर हुए तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी अंत में आएंगे या पहले आ जाएंगे? अंत में ही आएंगे। तो अभी ऊपर 10 करोड़ की आत्माएं जब तक नीचे नहीं उतरी है, बेटा कहती हूँ कितनी आबादी होगी? 10 करोड़। तो 10 करोड़ को जब तक संदेश नहीं मिला है पक्का पक्का, प्रजा नहीं बनी है सहमी देवी देवता धर्म की, तब तक इब्राहिम की आत्मा कैसे आ जाएगी? अभी नहीं मिला 10 करोड़ को। हाँ, दिखाई पड़ता है ब्रह्म कुमारी आश्रम में जितने भी आने वाले स्टूडेंट हैं रोज के कहेंगे एडवांस की तो बात ही नहीं, एडवांस तो बुक्की भर। तो वो 18 नहीं होगा है 2018 के बाद? जब चारों तरफ दुनिया में आवाज फैलेगी तो दूसरे दूसरे धर्मों के बीच में पहले फैलेगी, या दूसरे धर्मों के जो बाप होंगे वो संदेश को पहले पकड़ेंगे? जो बाप होंगे वो पहले पकड़ेंगे।
फिर अपनी रैयत को उठाएंगे कि बात पकड़े नहीं और रैयत पहले उठ जाएगी। स्वीकार ओम शांति।